बात कर लेते हैं ताऊते की, जो कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद ताऊते गुजरात की तरफ बढ़ा। मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले 24 घंटे में तूफान के और तेज होने की आशंका है। भारत के पश्चिमी तट से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रही है तूफान ताऊते की आंख। गुजरात में तट से टकराने तक इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का अनुमान। चक्रवाती तूफान ताऊते का खतरा बढ़ा। राहत और बचाव के लिए प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई। गुजरात, दमन और दीव के लिए येलो अलर्ट जारी। तूफान ताऊते के गुजरात के सोमनाथ या अमरेली के तट से टकराने की आशंका है। निचले तटीय इलाकों से करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। ताऊते तूफान के मद्देनजर आज और कल पूरे गुजरात में टीकाकरण नहीं होगा। सीएम विजय रूपाणी ने जारी किया आदेश। चक्रवाती तूफान ताऊते के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में आज हो सकती है भारी बारिश। मुंबई में चक्रवात ताऊते का असर दिखना शुरू हो गया है। वर्ली सी फेस इलाके में समंदर किनारे तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। कच्चे घरों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश। राज्य में अलर्ट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल और नेवी। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान के चलते आज मुंबई में नहीं होगा कोरोना का टीकाकरण। अब कल से शुरू होगा टीकाकरण। अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश। ताऊते तूफान को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी हाई अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। गोवा में ताऊते तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 200 छोटे बड़े घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। 500 से ज्यादा पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई। गोवा के मडगांव में नेत्रवती एक्सप्रेस पर गिरा पेड़। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा राहत और बचाव में जुटी है आपदा प्रबंधन की टीमें। मरने वालों के परिजनों और जिनके घरों को नुकसान हुआ है उन्हें दी जाएगी मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताऊते तूफान को लेकर गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। राहत और बचाव के कामों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के इलाज में काम आने वाली डीआरडीओ की दवा 2DG आज होगी लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च करेंगे। 1-2 दिन में डीआरडीओ के अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी दवा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर एक और अच्छी खबर। ताजा रिसर्च के मुताबिक कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनों वेरियंट पर असरदार है। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 3,11,000 नए मरीज, 4,077 लोगों की मौत। अब तक 18,22,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। कोविड पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। एसजय शंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मंडविया, नित्यानंद राय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के पानीपत में 50 बेड वाला कोविड अस्पताल शुरू। सीएम खट्टर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। गुजरात के हापा से करीब 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची ट्रेन। केरल पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर वल्लारपदम पहुंची ट्रेन। नेवी के इंजीनियर्स ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और श्रीकालाहस्ती में खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। राज्य में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। राजस्थान के प्रतापगढ़ के 2 पंचायतों ने कायम की मिसाल। 3 मार्च को ही गांव के नाकेबंदी की। अब तक नहीं निकला है कोरोना का एक भी केस।
झारखंड के रामगढ़ में दो युवा बने मानवता की मिसाल, घर में आइसोलेट मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचा रहे हैं, हर तरफ हो रही है तारीफ। यूपी में आज से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी, नगर निगमों के साथ साथ सभी कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। गौतम बुद्ध नगर के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी वैक्सीन, दोनों सेंटर्स पर रोज 100-100 लोगों को लगेगा टीका। हिमाचल प्रदेश में भी आज से शुरू होगा 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण, बुकिंग के आधार पर सप्ताह में 2 दिन लगाई जाएगी वैक्सीन। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, यहां टीकाकरण तीसरा चरण में है। बेंगलुरु के कई सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत, स्वास्थ्य कर्मियों से उलझते दिखे लोग। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 24 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। पंजाब में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कोरोना के बढ़ते मामले और मृत्यु दर में इजाफा के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में भी एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 24 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां, जरूरी सेवाओं पर छूट जारी। मध्य प्रदेश में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन, पाबंदियों से कोरोना के केसेस में कमी आने के चलते सरकार ने लिया फैसला। केरल के सबसे ज्यादा केस वाले 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन लागू, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मल्लपुरम की सीमाओं को सील किया गया। कोरोना पर लगातार एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएम से की बात। सीएम योगी ने नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद का दौरा किया, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की, कहा यूपी में कोरोना का पीक अब नियंत्रण में है, संक्रमण दर में कमी आई। में कोरोना महामारी की वजह से समय से पहले गर्मी की छुट्टी, आज से 3 जून तक बंद रहेंगे कोर्ट। वैक्सीन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेंद्र कुमार से हो सकती है पूछताछ। पोस्टर विवाद में गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा पोस्टर लगाने की वजह से नहीं लॉकडाउन के नियम तोड़ने की वजह से किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा वैक्सीन से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी लेकिन पीएम ने करोड़ों वैक्सीन 94 देशों को भेज दी और अब सवाल पूछने वाले गरीब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर ट्वीट किया, लिखा मुझे भी गिरफ्तार करो। पोस्टर विवाद पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की सफाई, कहा वैक्सीन भेजना विदेशी कंपनियों से करार में शर्त थी, शर्त के मुताबिक एक हिस्सा विदेश भेजा गया। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का मामला, आरोपी खान चाचा रेस्टोरेंट्स का मालिक नवनीत कालरा गुरुग्राम से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने के नाम पर ठगी करने वाले 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, देश भर में 1000 लोगों का व्हाट्सएप के जरिए चूना लगाने का आरोप। स्पाइस जेट आज से सभी कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगी, दिल्ली और गुरुग्राम से होगी शुरुआत, करीब 15,000 कर्मचारियों को लगेगा टीका। आज आधी रात से बंद होगा दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमानों का परिचालन, कोरोना की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में कमी के चलते यह फैसला लिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।